तो आज एक दिन का भारत बंद और सिंघू बॉर्डर और दिल्ली में मिलाजुला इस बंद का असर रहा। सिंघू बॉर्डर पर शाम तक गहमा गहमी बनी रही, पर ट्रैफिक और जनजीवन सामान्य नजर आया। किसानों के एक दिन के भारत बंद का दिल्ली में मिलाजुला असर रहा। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर हूं और बॉर्डर पर दिन भर करीब करीब ऐसी ही गहमा गहमी बनी रही। ये बॉर्डर से करीब हम 1 किलोमीटर आगे हैं और यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस की बैरिकेडिंग यहाँ भी थी और इससे एक और आगे बैरिकेडिंग लगाई गई है और यहाँ भी जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको बिल्कुल आई कार्ड चेक किए बगैर उन्हें अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। हालांकि सुबह के वक्त उसमें भी काफ़ी सख्ती बरती जा रही थी और अभी जो हालात हैं अभी ये हैं कि अभी भी बगैर आई कार्ड देखे किसी भी गाड़ी को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। दूसरी ओर सुरक्षा के इंतजाम काफ़ी किए गए थे, यहाँ पर भी एहतियातन भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन दिल्ली में ज़्यादातर बाज़ार खुले नज़र आए। कई जो सड़क हैं वहाँ पर भी इस तरह चक्का जाम के हालात नहीं थे। हालांकि किसानों की ओर से 11 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का आह्वान किया गया था, लेकिन सड़क पर चूँकि लोग पहले से ही किसानों ने बंद को कॉल किया था इसलिए ट्रैफिक उस तादाद में नहीं थी, लोग घरों से ज़्यादा नहीं निकले थे। लेकिन जो भी ट्रैफिक अभी सड़क पर है फिलहाल वो सामान्य तरीके से चलता हुआ नज़र आ रहा है। जो चक्का जाम था उसका वक्त भी गुजर चुका है और अब जो है सो देख सकते हैं कि बंद अभी भी जारी है लेकिन उसका असर नहीं के बराबर है। सिंघू बॉर्डर के करीब भी जो कुछ दुकानें थी वो भी आज खुली हुई थी, जबरन उसे भी बंद नहीं कराया गया था। किसानों ने ये भी अपील की थी कि कहीं भी बंद को जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर किसानों के एक दिन का भारत बंद का दिल्ली में और सिंघू बॉर्डर पर मिला जुला असर पाया गया है, देखा गया है। सिंघू बॉर्डर से कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।